वेलकम यू ऑल इन माई चैनल कॉन्सैप्ट गुरु एके। तो मैं हाँ तुहाडा होस्ट अश्विनी कुमार। प्यारे विद्यार्थियों, अज की ये वीडियो खास तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के सिलेबस न रिलेटड है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के सिलेबस न रिलेटड है। बी ए पार्ट वन समेस्टर पहला पोलीटिकल सैंस पढ़ने वाले विद्यार्थी ने जोड़े साल सैशन 2020-2023 तक का जो सैशन है भाव 221 च एग्जाम होने ने जोड़े सारे 21-22-23 ठीक है वो रिलेटड है। पोलीटिकल सैंस बी ए पार्ट वन समेस्टर वन का सिलेबस जोड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी ने चंडीगढ़ ने जारी किया लेटैसट सिलेबस है। आओ आप जाए तो पेपर की वधिया ढंग तैयारी आप कोशिश करिए। सो कि टॉपिक्स ने वो बारे आप गल करा बी ए पार्ट वन समेस्टर वन पोलीटिकल सैंस की गल कर रहे हैं। कॉलेज तुहाडा पहला साल है। सो कॉन्सैप्ट गुरु एके चैनल में बेटा सबसक्राइब कर लो ता कि सही तो वधिया जानकारी तुहाडे बोर्ड के एग्जाम यूनिवर्सिटी के एग्जाम रिलेटड मिल सके। सो पोलीटिकल सैंस समेस्टर वन जिहड़ा पेपर है वो बारे जानकारी देन लगे हैं जी। पहली गल पेपर जिहड़ा प्यारे विद्यार्थी नोट करना तुहाडा पेपर जिहड़ा है वो एक सैकेंड हाँ जी प्यारे विद्यार्थी नोट करना तुहाडा पेपर जिहड़ा है वो 100 नंबर का होएगा। मैक्सिमम 100 नंबर पेपर है जिदे चों 90 नंबर थ्यूरी देणगे 90 नंबर थ्यूरी है तो 10 नंबर इंटरनल असैसमेंट है। 3 घंटे का पेपर होएगा। सो जिहड़ा थ्यूरी का पेपर है वो 90 नंबर का खास तौर पर असी 90 नंबर पर ही गल करनी है। पहली गल की हदायतां की ने देयर शैल बी 9 क्वेश्चन इन ऑल 9 प्रश्न होणगे इन क्वेश्चन नंबर 15 जिहड़ा 15वां क्वेश्चन नंबर है उहदी गल इह है कि वह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होएगा तो छोटे छोटे उत्तर देने पैणगे। वी आस्क्ड स्प्रेडिंग वायल होल सिलेबस टू बी आंसर्ड इन 10-20 वर्ड्स ईच सारे सिलेबस विच्चों जिहड़ा वै जिहड़ा क्वेश्चन नंबर 15वां जिहड़ा सारे सिलेबस विच्चों होएगा। 10 तों 20 शब्दों तो वध लिखना नहीं है ठीक है। छोटे क्वेश्चन होणगे 2-2 नंबर वाले प्रश्न होणगे ते देयर शैल वी हैव 9 शॉर्ट क्वेश्चन 9 छोटे छोटे प्रश्न होणगे ते कुल 18 नंबर का पेपर है जिहड़ा बेटा वो तुहाडा पूरे सिलेबस विच्चों आएगा ते 2-2 नंबर के क्वेश्चन होणगे। इस तों अलावा रैसट ऑफ द पेपर शैल कंटेन 4 यूनिट्स जिहड़ा बाकी पेपर वो 4 यूनिटा विच होएगा। ईच यूनिट शैल हैव 2 क्वेश्चन हर यूनिट विचों 2 प्रश्न आउणगे एंड द कैंडिडेट शैल हैव ओके। सो 4 प्रश्न 4 यूनिट होणगे जिहड़ा स्टूडेंट है उन्हों हरेक यूनिट विच 2 प्रश्न मिलने जिदे विचों स्टूडेंट ने केवल 1 प्रश्न करना है ठीक है। सो 1 क्वेश्चन हर यूनिट विचों 1 प्रश्न जरूर करना तो 1 आखिरी प्रश्न जिहड़ा वो पहले आपां गल जो कर चुके हैं जिहड़ा 2-2 नंबर वाला वो तो करना ही करना ठीक है जी। सो उस तो अगली गल यह है बई यूनिट 1 की गल करिए यूनिट 1 का सिलेबस की है। यूनिट 1 का सिलेबस है पोलीटिकल सैंस मीनिंग डेफिनेशन एंड स्कोप राजनीति शास्त्र का अर्थ परिभाषा तो विषय वस्तु ये लैसन 1 है टॉपिक 1 है। टॉपिक दूजा है रिलेशनशिप ऑफ पोलीटिकल सैंस विद इकोनॉमिक्स हिस्टरी एंड सोशियोलॉजी इन्ह तिना के नाल पोलीटिकल सैंस का जोड़ा संबंध है ये बारे डिस्कशन होएगी ये क्वेश्चन पेपर आएगा। सो देखो बेटा जिदा ये यूनिट 1 है यदा अर्थ यह है भी यूनिट 1 विचों 2 प्रश्न आएंगे कहदा आएगा कहदा आएगा इन्ह दो प्रश्न के कहदे चों आ गया दूजा ये आ गया ये दो ही आ जाएंगे इन तुम एक अपनी चॉइस का करना है। दूजे यूनिट की है बेटा दूजे यूनिट है द स्टेट डेफिनेशन एलीमेंट इट्स डिस्टिंक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सोसाइटी
बेटा ये जिहड़ा टॉपिक है इहदा नाम है राज की है, राज की है, व्हाट इज़ द स्टेट, इहदी परिभाषा, इहदे तत्त ते इहदा गवर्नमेंट सरकार अते समाज नालों राज दा अंतर, ये क्वेश्चन एक आएगा। दूजा जिहड़ा इसे दूजे यूनिट चों आएगा वो आएगा जी थ्यूरीज ऑफ ओरिजन ऑफ स्टेट, राज दे जन्म दे सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत है समाजिक समझौते दा, हिस्टोरिकल एवोल्यूशनरी समाजिक अते विकासवादी सिद्धांत है जी, ये यूनिट दो विच ने। इस तो बाद बेटा आ गया यूनिट नंबर तीन। यस यूनिट नंबर तीन जिहड़ा तीजा यूनिट है जिहदे विचों भी दो प्रश्न आणगे, स्टेट लिबरल मार्क्सियन एंड गांधीयन व्यू, राज दा उधारवादी मार्क्सवादी ते गांधीवादी विचार। उस तो बाद वेलफेयर स्टेट है बेटा अगला टॉपिक, नियो लिबरल एंड सोशलिस्ट रिस्पेक्टिव प्रस्पेक्टिव, भाव नव उधारवाद ते समाजिक समाजवाद के पक्ष वालों जिहड़ा वै वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज बारे पढ़िया जाएगा। लास्ट बेटा जिहड़ा हैगा वै यूनिट यूनिट नंबर चार, इहदे च सावरैनिटी डेफिनेशन एट्रीब्यूट्स करैक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स, प्रभु सत्ता उसकी परिभाषा उदे तत्त ते उदियां विशेषतावां ते किस्मां बारे गल होएगी। चौथे यूनिट विच ही दूजा टॉपिक है थीरीज ऑफ सावरेंटी, प्रभु सत्ता दे सिद्धांत, मोनिस्टिक एंड पलूरिस्टिक, भाव एकावादी जां ते बहुवादी, ठीक है जी। उस तो अगली गल पोलिटिकल साइंस ए मीनिंग एंड करैक्टरिस्टिक्स, पोलिटिकल साइंस बी फंक्शन अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन एंड एलमंड एंड पावल, डेविड ईस्टन ते एलमंड एंड पावल अनुसार राजनीतिक प्रणाली दे फंक्शन, ठीक है। सो ये भी टॉपिक जिहड़ा वा यूनिट नंबर चार विच हैगा। सो प्यारे विद्यार्थियों मैनू आस है कि तुसीं ये सारे टॉपिक जिहड़े ने ध्यान नाल वेख ले होणगे, समझ ले होणगे, सिलेबस पता होए ते तुसीं पेपर भी चंगा दे पा सकदे हो, तैयारी चंगी कर सकदे हो। सो मेरा चैनल कॉन्सैप्ट गुरु एके है बेटा, तो जेकर तुहानू ये चंगा लगे तो इसनू सबसक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। सो कॉन्सैप्ट गुरु एके चैनल बी ए फस्ट ईयर भावें तुसी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, भावें पंजाब यूनिवर्सिटी, भावें पंजाबी यूनिवर्सिटी, तिना की तैयारी जी है मैं हर रोज़ शाम नू क्लास लगाना वा 8:15 बजे लाइव क्लास, उहदे च आपां बी ए फस्ट ईयर फस्ट समैसटर की तैयारी करवाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने लई, शुक्रिया।